भैया फाइनली हम लोग गाड़ियां अपनी अंदर लेकर आए थे बिकॉज ऑफ मीडिया सेल। मीडिया सेल अकोमोडेट करता है यहाँ पे तमाम ब्लॉगर्स को। तो ये हमारे भाई अली सकैन, लास्ट डे भी आपने देखा होगा ब्लॉग में। भाईजान कैसे हैं, क्या यहाँ के निजाम कैसा चल रहा है, सिक्योरिटी कैसी है, तमाम चीजें जरा बताएं तो। और ये आजकल अभी एक बड़ा इंसिडेंट हुआ, आपने देखा एक जगह पे ब्लॉगर का वो गया था तो गार्ड ने क्या किया उसके साथ। अच्छा, मगर यहाँ का बताएं भाई ब्लॉगर के लिए क्या क्या चीजें आप अकोमोडेट करें। पहले तो देखिए बात ये कि वो जिस ब्लॉगर के साथ जो हुआ है वो बहुत अफसोसनाक वाक्य है और ऐसे किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए। हमारे यहाँ इन चीज़ों को जो है ना वो थोड़ा सा सीरियस नहीं लिया जा रहा, लेना चाहिए। और जहाँ तक मंडी की बात है, लास्ट ईयर भी आप आए थे, इस साल भी आए हैं, आपकी अपनी मंडी है, आप यहाँ माशाल्लाह आप इतनी देर से मौजूद हैं, आपने पूरी मंडी विजिट की है तो आपको खुद भी आइडिया हो गया होगा कि यहाँ प्रॉपर इंतजामात हैं। सिक्योरिटी के हवाले से यहाँ बेहतरीन इंतजाम हैं। हमारे पास यहाँ पे तीन लेयर्स के अंदर जो है वो सिक्योरिटी लगी हुई है, जिसमें मंडी के आने जाने वाले रास्ते हैं, मंडी की एंट्री है, एग्जिट है, फिर मंडी का त्राफ है। इसके अलावा हमारे पास इंटरनल सिक्योरिटी भी मौजूद होती है, फिर प्राइवेट गार्ड भी होते हैं, फिर हमारे पास यहाँ पर पूरी मंडी के अंदर आने जाने वाले रास्तों पर या एंट्रेंस एग्जिट के ऊपर हमारे पास कैमरे इंस्टॉल्ड हैं, जहाँ हमारा प्रॉपर सीसीटीवी जो हमारा कंट्रोल रूम है वो 24/7 उसको मॉनिटर कर रहा है। तो ये सारी चीजें आपके सामने इंतजाम आते हैं। बैंक के एटीएम्स यहाँ मौजूद हैं, अभी आपने दो मिनट पहले खुद भी एटीएम यूज़ किया। ब्लॉगर्स का बताया ना, ये जो बहुत सारे मंडी के ब्लॉगर्स होते हैं, ब्लॉग बनाते हैं मंडी के, हम तो नहीं बनाते, खैर हम लोग तो अपने जानवर ले रहे हैं तो एक्सपीरियंस दिखाते हैं, बट जो डेडिकेटेड जो मंडी के ब्लॉग्स बनाते हैं उनको आप किस तरह अकोमोडेट करेंगे? अच्छा मुबीन भाई, शायद आपकी नॉलेज में आया हो कि बजर एक्सपो सॉल्यूशंस जो कि मीडिया मैनेजमेंट है यहाँ की मवेशी मंडी की, इनकी तरफ से फर्स्ट टाइम ये डिसीजन लिया गया है कि मेन स्ट्रीम मीडिया के साथ साथ अब हम लोग जो हमारा डिजिटल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं हम उनको भी फैसिलिटेट कर रहे हैं। अभी तीन दिन पहले जो है ना वो तमाम कैटल मंडी से रिलेटेड जितने भी ब्लॉगर्स हैं, यूट्यूबर्स हैं, सबको ऑफिशियली मंडी इन्वाइट किया गया, उनको हाई टी पे इन्वाइट किया गया था, सब आए, सब बहुत खुश हुए। और जो फैसिलिटीज हम अपने मेन स्ट्रीम मीडिया को देते हैं अब हम वो अपने डिजिटल मीडिया को भी दे रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव है, ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है। भाई गुड हो गया भाई, ये सकैन भाई हमारे भाई हैं, लास्ट ईयर भी इन्होंने काफी अच्छा अकोमोडेट किया था। और अभी एक चीज इन्होंने अच्छी बताई, जाहिर सी बात है अभी जो रिसेंट एक इंसिडेंट हुआ जो कि होना नहीं चाहिए था, गार्ड की वजह से, गार्ड ने पता नहीं क्या था उसके जहन में, बट उसी चीज को भी मद्देनजर रखते हुए इन्होंने कहा है कि भाई जो भी यहाँ पे अपने ब्लॉग्स बनाना चाहता है वो बिल्कुल बनाए, आए प्रॉपर आए मीडिया सेल में, अली सफेन भाई नहीं किया तो इनकी बहुत बड़ी टीम है उससे मिले, प्रॉपर पास देंगे आपको, आप सुकून से यहाँ सिक्योरिटी में आपको कोई टेंशन नहीं, आप अपने ब्लॉग बना रहे हैं। मैंने तमाम जितने भी इन्फ्लुएंसर्स आए थे मैंने उनसे भी यही मैसेज डिलीवर करवाया कि आपको ब्लॉगिंग करने के लिए मंडी में कोई मना नहीं कर रहा, एक प्रोसीजर प्रोसीजर फॉलो कर लें, मीडिया सेल आए, अपना पेज बताएं, अपना नाम बताएं, डिटेल दें, हम आपको मीडिया पास देंगे, देन उसके बाद आपकी मंडी है ना, आप लोगों की ही मंडी है और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, बिल्कुल फ्री। अच्छा कोई पैसे नहीं, देखिए ये बता दिया इन्होंने, बता दिया अली भाई कोई चार्जेस, तो आप सुकून से आए, परमिशन लेके आराम से बनाए, कोई टेंशन की बात नहीं, जहाँ कोई अगर आपसे पूछेगा उसको आप पास दिखा देंगे तो वो समझ जाएगा हाँ यार ये ऑफिशियल बन रहा है। यहाँ सारी मैनेजमेंट को पता है कि जिसके पास मीडिया का पास है इसका मतलब वो थ्रू मीडिया सेल आया है। चलो गुड यार, मेरे पास मुझे जरूरत नहीं थी अलहमदुल्ला, बट मैंने भी पास लगाया हुआ था अपनी गाड़ी में ताकि जस्ट इनके गार्ड वार्ड होते हैं या कोई सिक्योरिटी वाले होते हैं उनसे बता दो कि भाई प्रॉपर हमारे पास परमिशन। थैंक यू यार सकलैन, बड़ा मजा आया, आपका शुक्रिया। हाँ मैं रात को भी इंशाल्लाह एक कोई चक्कर लगाऊंगा, आप लग जाए आपके, देखेंगे सिक्योरिटी कैसी है। हाँ श्योर।